उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करूंगा 30 अक्टूबर सैटरडे शनिवार के दिन किसान भाइयों जो लिफ्टिंग है, सुबह का टाइम चल रहा है, लिफ्टिंग के लिए जो गाड़ी है कांटा कराने आने वाली है, कांटा कराने के लिए गई हुई है, वेट होने के लिए उसका गया हुआ है, तो मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि माल कैसे अच्छे से तैयार हुआ है, सोने जैसा माल है, और इसका जो रेट है वो कोडिंग जैसा लगा है। आप सभी जानते हैं कि जो मंडी है वो किस दौर से गुजर रही है। बात करूंगा किसान भाइयों आज जो लिफ्टिंग है वो किस रेट पर हो रही है, तो 60 रुपए के साथ ये जो सोने जैसा माल आप देख रहे हैं, अच्छा खासा तैयार हुआ माल है वो, उसकी लिफ्टिंग जो है हम कराने को मजबूर है, क्योंकि जो मंडी है आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरती जा रही है। ये जो मंजर है वो स्टार्ट हुआ था 90 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 85 पर आई मंडी, फिर 70 पर आई, उसके बाद 70 से भी नीचे आप सभी जानते हैं कि जा चुकी है, और जिसके कारण जो इनको फीड भी ज़्यादा हम खिलाएं तो यदि कोई आगे कोई उम्मीद दिखाई दे रही हो, कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो तो इनको रोका भी जा सकता है, लेकिन मजबूरी यही है कि इनका जो फीड की कास्टिंग है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जो माल है हम निकालने को मजबूर हैं। तो 60 रुपये के साथ ये जो लिफ्टिंग है वो होने वाली है मेरे फार्म पर। तो यदि मैं बात करूंगा किसान भाइयों इन पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी कितने रुपए पर केजी के हिसाब से ये मेरा माल तैयार हुआ था, तो 85 रुपए के साथ ये जो माल है वो तैयार हुआ था और निकल रहा है 60 रुपए के साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 85 रुपए का आपको मैंने रेट बताया, इसमें मैंने अपना जो लेबर है, अपनी जो मजदूरी है, मेहनत है, वो मैंने ऐड नहीं की, और ना ही मेरे फार्म पर आप सभी जानते हैं कि कोई लेबर का आदमी ही रहता है, तो ये काम सभी खुद ही करता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि तो 85 रुपीज़ के साथ 85 रुपये के साथ मुझे ये माल सिर्फ पड़ रहा है। इसमें जो मेरी मजदूरी है, मेरी जो मेहनत है, जो मेरे आप जिसको लेबर भी कह सकते हैं, तो वो मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है। तो ये हालात इस समय बने हुए हैं। यदि मैं बात करूँ सीधे सीधे पर केजी के हिसाब से, तो किसान भाइयों 25 रुपये इस रेट के साथ जो है हमें आप कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है। लॉस भी इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि यदि मैं अपना भी 10,000 रखता हूं कि मैं अपनी 10,000 मजदूरी इसमें ऐड करूं, तो आप समझ सकते हैं कि लॉस ज़्यादा और कितना हो सकता है। 25 रुपये पर केजी के हिसाब से यदि 20 क्विंटल माल है तो 50,000 का जो लॉस है वो होना इस रेट के साथ बिल्कुल तय है, क्योंकि 60 रुपये के साथ लिफ्टिंग जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि होने जा रही है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक जो वर्ड है वो 50 रुपये का हमें घाटा लॉस देकर जा रहा है। तो ये कुछ किसान भाइयों पोल्ट्री की सच्चाई है जो कि आपको बतानी ज़रूरी बन जाती है, जो कि जो भी भाई ब्रॉयलर पोल्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सबक है, वो उनको सीखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ये भी एक बहुत ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि हैरानी वाला मुद्दा है कि इस समय जो मंडी डाउन गई है वो माल मार्केट में ज़्यादा होने की वजह से है, क्योंकि जब मार्केट में माल ज़्यादा होता है, माल जो है हमारा ज़्यादा फार्म पर तैयार पड़ा रहता है, उसकी वजह से जो मंडी है वो हमने देखा है कि वो हमारी लागत से 5-7 रुपये जो है वो डाउन चला जाता है, 10 रुपये डाउन चला जाता है, लेकिन इस बार आप सभी जानती हैं कि 25 से लेकर 30 रुपये लागत से पर केजी के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो 25 से लेकर 30 रुपये जो मंडी है वो नीचे लुढ़की है। ना तो इस वक्त कोई किसान भाई अफवाह उड़ी, कोई गलत अफवाह जैसे बदनाम किया गया पोल्ट्री को, और ना ही कोई महामारी आई, लेकिन फिर भी जो रेट है वो आप सभी जानते हैं कि किस कदर नीचे गिरा है, और मंडी है वो गड़बड़ा गई है। बहुत सी जो हमें रेट भी मिलते हैं, रेट भी आने बंद हो गए हैं कि मंडी है वो सस्पेंड हो गई है आज के लिए, क्योंकि रेट ही ऐसा निकल रहा था कि मंडी जो जहाँ पर
हमें रेट जो मिलता था उन एसोसिएशन ने ही जो रेट है वो सस्पेंड कर दिए थे। तो बारीकी से आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगा कि मंडी है वो क्यों गिरी थी, क्या इसके रीज़न थे, वो तमाम जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो गाड़ी यार जैसे कि आपको शायद बाहर दिखाई भी दे रही हो, तो गाड़ी आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।